नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको कलौंजी की रेसिपी के बारे में बताऊंगी या भरवा आलू और बैंगन की रेसिपी के बारे में बताऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। भरवा बैंगन और आलू बनाने के लिए आपको बैंगन और आलू चाहिए होंगे और साथ ही आपको साबुत मसाले जैसे कि धनिया, सौंफ, जीरा और कलौंजी चाहिए होगी और प्याज, हरी मिर्च और लहसुन चाहिए होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे साबुत मसाले हैं इनको हम अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा ये साबुत मसाला अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। अब मैं प्याज, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट बना लूँगी। ये हमारा पेस्ट बनकर तैयार है और मसाले भी अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं। अब हम इसमें लहसुन मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। अब इस मिक्सचर में हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। अब सॉल्ट डालेंगे, आप अपनी सॉल्ट अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब मैं इसमें अमचूर पाउडर डालूंगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी और थोड़ा सा इसमें रेड चिली पाउडर डालूंगी और अब इसमें मैं डालूंगी हरी धनिया। अब इस मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरीके से हम बैंगन को बीच में से हाफ कट करेंगे और इस तरीके से सभी बैंगनों में भर देंगे। अब हम आलू लेंगे, उसको भी बीच से कट कर देंगे और उसमें ये मसाला फिल कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम सभी में फिल कर लेंगे। अब मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और जो हमने बैंगन और आलू भर कर रखे थे, इस तरीके से सभी आलू और बैंगन को हम ऑयल में डाल देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं हमारे बैंगन एक से काफ़ी हद तक पक चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा सा अपसाइड डाउन कर देते हैं। हमारे बैंगन ऑलमोस्ट पककर तैयार हैं और इस तरीके से बनकर रेडी हैं। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको जल्द ही मिल जाएं। मिलते हैं ऐसी ही न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।